कांग्रेस नेता राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा का मंगलवार को 38वां दिन था, तो वहीं उत्तर प्रदेश में इस यात्रा का 5वां दिन। राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा रायबरेली होते हुए मंगलवार शाम 6 बजे राजधानी लखनऊ पहुंची। यहां स्वागत होने के बाद यात्रा केकेसी से निकलकर चारबाग, नाका तिराहा, राकबगंज, राजा बाजार, मेडिकल कॉलेज चौक चौराहे से होते हुए घंटाघर पहुंची। इस दौरान राहुल गांधी के साथ लोकसभा यूपी प्रभारी अविनाश पांडे, प्रदेश अध्यक्ष अजय राय, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रमोद तिवारी समेत कई अन्य वरिष्ठ नेताओं के साथ हजारों की संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ताओं का हुजूम रहा। यात्रा के दौरान जगह जगह राहुल गांधी का लोगों ने स्वागत किया। वहीं राहुल गांधी ने पब्लिक को फ्लाइंग किस दिया। रात करीब 8:30 बजे राहुल गांधी ने घंटाघर पर जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि मेरे इंतजार में आपने मोहब्बत की हजारों दुकानें खोल दी। इसके अलावा उन्होंने पेपर लीक, गरीबी, जातीय जनगणना, नोटबंदी, किसानों के MSP को लेकर भी चर्चा की। आप भी सुनिए राहुल गांधी ने और क्या कुछ कहा। इतना प्यार भरा स्वागत किया मेरा हमारी यात्रा का, भारत जोड़ो न्याय यात्रा का। आपने हमारे यहाँ आने से पहले मोहब्बत की हजारों दुकानें खोल दी। ये देश मोहब्बत का, भाईचारे का, इज्जत का देश है। न्याय सिर्फ अरबपतियों के लिए है, बाकी लोग अन्याय की जिंदगी जीते हैं और मरते हैं। अलग अलग तरीके के अन्याय हो रहे हैं। सबसे पहला आर्थिक अन्याय, आप किसी भी व्यापारी से पूछो वो आपको बताएगा, नोटबंदी और GST ने मुझे खत्म कर दिया, बर्बाद कर दिया। और नोटबंदी और GST अदानी जी जैसे अरबपतियों की मदद करने के लिए की गई थी, छोटे व्यापारियों को साफ कर दिया गया। आप उत्तर प्रदेश के कोने कोने में जाओ, अभी सुनना, आवाज सुनना, जैसे मैं ये कहूंगा आवाज सुनना, उत्तर प्रदेश के कोने कोने में जाओ और उत्तर प्रदेश के युवाओं से पूछो, भाई तुम्हारा पेपर लीक हुआ? उत्तर प्रदेश के युवा के सामने सिर्फ एक रास्ता है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम, IIT, रेलवे, IAS, इन चीजों के लिए ये सालों एग्जाम करते हैं, 5 साल पढ़ाई करते हैं, एग्जाम करते हैं। पता लगता है सुबह सुबह एग्जाम के दिन व्हाट्सएप पे पेपर मिल जाता है, पेपर लीक हुआ है, पेपर लीक हो जाता है। अमीर बच्चे बिना पढ़ाई किए 100% मार्क लेते हैं और गरीब बच्चे देखते रह जाते हैं, उनके लिए दरवाजा बंद हो जाता है। यह हुआ आर्थिक अन्याय। आज हिंदुस्तान का युवा चाहे भी रोजगार नहीं पा सकता। उनको आश्वासन देना चाहता हूं, BJP आपको MSP नहीं देगी, कांग्रेस पार्टी आपको लीगल MSP दिलवा देगी। भाई और बहनों, नफरत मिटानी है, भाईचारा और मोहब्बत वापस लाना है। ये देश बिना भाईचारे के, बिना मोहब्बत के आगे नहीं बढ़ सकता है। ये देश मोहब्बत का देश है। आप सबको अपनी जिंदगी में, अपने घरों में, शहरों में, सड़कों पे नफरत को मिटाना है, मोहब्बत की दुकान खोलनी है। धन्यवाद। जय हिंद।